नमस्कार और खबरों में बात करते हैं घरोंडा की। जजपा 22 सितंबर को रोहतक में ताऊ देवीलाल की जयंती को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने जा रही है। इसी को लेकर घरोंडा विधानसभा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। नरेंद्र सांगवान ने कहा कि हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन है कि हम किसान मसीहा सभी वर्गों के नेता ताऊ देवीलाल की जयंती को 22 सितंबर को रोहतक में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाने जा रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि यह समारोह ऐतिहासिक होगा। इसमें पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में लोग भाग लेकर ताऊ देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस अवसर पर घरोंडा के विधानसभा प्रभारी नफे सिंह राठी, इंद्री प्रभारी उमेद सिंह कश्यप, करनाल जिला प्रभारी मायराम विशेष रूप से उपस्थित रहे। जी बताएं, पता जी आज की जो हमारी मीटिंग है 22 सितंबर को स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जन्मदिन हम हर साल मनाते हैं, उसी के लिए आज कार्यकर्ताओं की हमने मीटिंग बुलाई थी और पूरे हल्के के हमने जोन बना के अपने जो जिम्मेवार साथी हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, सीनियर पदाधिकारी हैं, उनकी ड्यूटी लगाई है। हम इस बार स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का जन सम्मान दिवस रोहतक में मनाने जा रहे हैं, उसी ग्राउंड में जहाँ पे अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, मेला ग्राउंड रोहतक में हमने रैली रखी है पूरे प्रदेश स्तर की, और उसमें हमारे घरौंडा हल्के से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेंगे। हर साल जाते ही हैं, यहीं पे हमने पॉइंट बनाया अपने पार्टी ऑफिस से, यहीं से सुबह सभी साथी गाड़ियों में अपनी अपनी बैठ के रोहतक में चलेंगे और स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को वहाँ पहुँच कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। उसके लिए मुख्य रूप से हमारे बीच में जो हमारे करनाल जिला के प्रभारी हैं चौधरी मायाराम जी चंद्रबानपुरा, वो भी हमारे बीच में बैठे हैं, और विशेष रूप से उमेद कश्यप जी जो हमारे प्रदेश सत्र के नेता हैं और पूर्व में लोकसभा का चुनाव भी यहाँ से लड़ चुके हैं, उनकी भी जिम्मेवारी इंद्री हल्का में पार्टी ने लगाई है। यहाँ भी घरौंडा में भी जहाँ जहाँ उनकी जरूरत होगी वो भी उनकी सेवाएं हम लेने का काम करेंगे। उसके साथ साथ नवे सिंह मान जी हमारे जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनकी भी जिम्मेवारी घरौंडा हल्के में एक प्रभारी के तौर पर। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ बात पूछना हो? जो चौधरी देवीलाल जी जो दोनों पार्टियां मिलकर मनाएंगे या जे जी भी खाली मना रही? देखिए हम तो 22 तारीख को मना रहे हैं, पहले 25 को मनाते थे, उनका जन्मदिन 25 को मना लेते थे, 1 नवंबर को भी हम मनाते थे क्योंकि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा मनाया था, उनके संघर्ष से बना था, तो जन्मदिन हमका 1 दिन पहले 2 दिन पहले भी मना सकते हैं जन्मदिन को। आपकी बार 22 सितंबर को, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते क्योंकि इनेलो भी 25 तारीख को कैथल में मना रही है, तो हम कोई ऐसा संदेश नहीं देना चाहते प्रदेश की जनता को। जो खाप पंचायतों की तरफ से बात चलेगी थी वो कहाँ समझौता कहीं लगता क्यों हो जाए? देखिए खाप पंचायतों का काम है सामाजिक, कोई अगर बात है उसको नज़दीक लाने का, अगर परिवार की बात है तो परिवार में तो चौधरी रणजीत सिंह जी भी हैं और आदित्य जी भी हैं, दुष्यंत जी, अजय सिंह जी भी हैं, अभय सिंह, सभी परिवार की अगर एक करने की बात है तो सारे परिवार से वो बात करो। दुष्यंत जी तो कल स्टेटमेंट आपने सुनी होगी, दुष्यंत जी ने कल सिरसा में स्टेटमेंट भी दी है कि मैं तैयार हूँ खाप मेरे से मिलना चाहे, लेकिन खाप उनसे मिली नहीं, केवल एक व्यक्ति जो खाप का दलाल है रमेश दलाल, वो केवल एक आदमी उनसे मिला, उन्होंने तो स्वागत किया अभी खाप मेरे से आके मिले। सामाजिक तौर पर हम एक हैं, कोई दिक्कत नहीं, पारिवारिक तौर पर भी हम कोई अगर कमी लगती हो खापों को तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर हमारी अलग पार्टी है जननायक जनता पार्टी। हम जननायक जनता पार्टी जो पिछले दिनों दिसंबर में जींद में 1 साल भी नहीं हुआ अभी तो बनी थी, तो उस पार्टी का नेतृत्व दुष्यंत चौटाला जी हमारे कर रहे हैं और सब उनके साथ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।